बाबा बालकनाथ की नगरी द्योरचित में होने वाले चैत्र मास मेलों का आयोजन 14 मार्च से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को इस बार कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। यही नहीं, इस बार जिला मुख्यालय हमीरपुर में भी मेले के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। इसकी जानकारी DC हमीरपुर उपायुक्त हरिकेश मीणा ने दी। बाबा बालकनाथ की नगरी द्योरसिद्ध में होने वाले चैत्र मास मेलों का आयोजन 14 मार्च से 13 अप्रैल 2020 तक किया जाएगा। मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित श्रद्धालुओं को इस बार कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। यही नहीं, इस बार जिला मुख्यालय हमीरपुर में भी मेले के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही इस बार सुबह के समय श्रद्धालुओं के लिए नाश्ते का भी प्रबंध किया जाएगा। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम श्रद्धालुओं को मेला स्थल तक लाने और ले जाने के लिए विशेष बसों का भी प्रबंध करेगा। हमीरपुर में DC एवं आयुक्त सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास द्योरचित हरकेश मीणा की अध्यक्षता में मेले के आयोजन और इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण नए फैसले भी लिए गए। DC हमीरपुर ने व्यवस्था करने के निर्देश मंदिर अधिकारी को दिए। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों के लिए लंगर स्थल पर ही दूध इत्यादि की भी व्यवस्था रहेगी। हरकेश मीणा ने बताया कि सिद्ध बाबा बालकनाथ व चैत्र मास मेलों के प्रति लोगों की आस्था को देखते हुए मंदिर न्यास इस बार चैत्र मास मेलों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था जिला मुख्यालय में भी करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए चुनिंदा स्थानों पर LED स्क्रीन लगाई जाएगी। बैठक में SP हमीरपुर अर्जित सेन, ADC रतन गौतम, आदेशक गृह रक्षक वाहिनी SK कौंडल, उपमंडलाधिकारी बर्सर प्रदीप कुमार सहित न्यास के सभी अधिकारी व सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे। मेला आयुक्त ने पार्किंग 1 से लुधियाना धर्मशाला तक रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए प्राकलन तैयार करने को कहा, ताकि रास्ता चौड़ा होने से पैदल यात्रियों को सुविधा हो सके। शातलाई की ओर से द्योरचित मंदिर की ओर आने वाले सड़क की हालत सुधारने के लिए उपायुक्त बिलासपुर के सहयोग से कार्य करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। इसके अतिरिक्त पुराने बस अड्डे के समीप भूस्खलन से गिरे मलबे को शीघ्र वहां से हटाने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की भांति इस बार भी शातलाई व सलोनी की ओर से आने वाले गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था यथावत रहेगी। आज बाबा बालकनाथ द्योरचित का जो मेला चैत्र मास मेला लगता है उसकी मीटिंग की गई थी। इस साल ये मेला 14 मार्च से 13 अप्रैल तक शेड्यूल है और इसमें सभी जो ऑफिशियल्स हैं, ट्रस्टीज हैं, उन लोगों के साथ ये मीटिंग की गई थी। मेले में जो भी अरेंजमेंट्स मंदिर प्रशासन को करने हैं उनको लेकर रिव्यू किया गया। लैंड रोड को किस तरह से मैनेज करना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, साफ सफाई मैनेजमेंट है, लंगर का अरेंजमेंट है, श्रद्धालुओं के लिए अदर सुविधाएं हैं और पानी है, बिजली है, इन सभी चीज़ों को लेके बैठे थे। और जो जो भी पिछले साल इश्यूज या शॉर्ट कमिंग्स थी उनको भी डिस्कस किया गया, उन शॉर्ट कमिंग्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ डिस्कस की गई है। और होपफुली जो एक महीने का मेला है मार्च से, उसको हम लोग श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं दे पाएंगे और सारा जो ट्रैफिक है, लैंड रोड मैनेजमेंट है, वो सारा अच्छी तरह देख पाएंगे। इस बार जैसे जो लाइव ऑडियो वीडियो लाइव का है, हमने मंदिर कमेटी से कहा है कि जो स्क्रीन है उसका लाइव हमें टाउन में भी किया जाए। सो इस वजह से हमीरपुर वाले जो 24 एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीज़ों को लाइव प्रसारित किया जा सके। वैसे लाइव पहले ही प्रसारित किया जाता था, बट तो हमीरपुर टाउन में हम लोग बड़ी स्क्रीन लगा के उसको प्रसारित करने की इस बार सोच रहे हैं। उसके लिए मंदिर टेंपल ऑफिसर को बोला है कि उस पर अरेंजमेंट करें और सिक्योरिटी को लेकर भी पुलिस से SP साहब भी बैठे थे और सारे अदर ऑफिशियल कमांड गार्ड वगैरह थे, तो उसको लेके भी काफ़ी डिटेल में चर्चाएं की गई, क्योंकि ट्रैफिक का मैनेजमेंट वहाँ एक चैलेंज होता है। तो जो जो भी कमियां हैं, स्पेशली ट्रैफिक दो तरह का होता है, व्हीकल ट्रैफिक और दूसरा पेडेस्ट्रियन का जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेके भी डिपार्टमेंट के साथ चर्चा की गई, किस तरह से डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन हम बना सकते हैं। रोड को लेके मुद्दे उठे थे कि बिलासपुर साइड में सात लाइन से की तरफ बड़ा जो रोड है उसकी तरफ कंडीशन लेके कुछ ट्रस्टी ने मेंबर में इशू उठाया था, तो उसके लिए भी DC बिलासपुर से बात की गई है और उसको भी सुधारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लंगर में जो पहले
लंगर लगता था उसमें कुछ पिछले साल इश्यूज थे, उनको भी हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इस बार स्पेशली लंगर 11 बजे से 3 बजे तक लगता है, सुबह शाम को 3 से 8 लगता है, शाम को 8 से 11 लगता है। तो बीच में गैप था ब्रेकफास्ट का, जो 7 से 11 इस बार हम ब्रेकफास्ट की सोच रहे हैं 7 से 10, और शाम को 4 से 7 भी हम लोग कुछ चाय पानी की व्यवस्था करेंगे। सो गैप नहीं हो, और क्योंकि 24 आवर्स चालू चले रहते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया। कुछ बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, उनके स्पेशली दूध की व्यवस्था है, तो इन चीज़ों को लेके मेलाधिकारी और मंदिर के ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, सभी से बात की। थैंक यू। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे प्रदेश की ओर।